लंबे इंतजार के बाद फाइनली आज मैं जा रही थी उत्तराखंड और पॉसिबली इंडिया के एक सबसे फेमस डेस्टिनेशन वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक पर। सैकड़ों प्रकार के फूलों, पौधों और जीवों से भरी जितनी यूनिक यह घाटी है, उतना ही खूबसूरत है मेन रोड से इस वैली तक पहुंचने के लिए किए जाने वाला 15 किलोमीटर का पैदल ट्रैक। फूलों की घाटी का ट्रैक स्टार्ट होता है बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर पहले एक छोटी सी जगह गोविंद घाट से। गोविंद घाट में दो नदियां अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का भी संगम होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक के लिए पहले आपको गोविंद घाट से पुलना गांव जाना होता है और यही पुल से सामने पहाड़ की तरफ एक पतली सी रोड कटती है और यह जाती है पुलना को, और यहीं से आपको पुलना के लिए शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है। मैं पहुंच गई हूं पुलना, बस यहां से आधा किलोमीटर दूर है पुलना। हमें फिलहाल थोड़ा पहले ही उतार दिया गया है क्योंकि आगे बीच में थोड़ा रोड खराब है। तो यहां पे गोविंद घाट से पुलना जो है आप गाड़ी में आ सकते हैं। गोविंद घाट से पुलना की दूरी है लगभग 3 किलोमीटर दूर, और उसके बाद पुलना से आपका पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है घांगरिया के लिए। पुलना में ही जो है आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए या फिर फूलों की घाटी के ट्रैक के लिए आ रहे हैं तो यहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब मैं जा रही हूँ घांगरिया के लिए। पुलना में छोटे छोटे ढाबे, होम स्टे और गाड़ी बाइक की पार्किंग मिल जाती है। तो पुलना का मार्केट यहीं पे ख़त्म होता है और यहाँ से शुरू होती है असली चढ़ाई ट्रैक की। पुलना से घांगरिया लगभग 10 किलोमीटर दूर है और इसकी चढ़ाई पुलना से ही शुरू हो जाती है। तो ये है मेरा गाइड फूलों की घाटी के लिए मिस्टर भूरा। तो ये मुझे फूलों की एक एक वैरायटी के बारे में बताने वाला है, है ना? हाँ, तो ये मैंने हायर कर लिया था पुलना से ही। चलो, सैकड़ों तीर्थ यात्रियों व टूरिस्ट से भरे रहने वाला यह हेमकुंड साहिब व फूलों की घाटी का ट्रैक अभी सूना सा पड़ा था क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे के कई जगहों पर टूटे होने के कारण लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे। इस ट्रैक में आपका स्टैमिना पूरी तरीके से चेक होगा क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है, बीच बीच में थोड़ा समतल आ जा रहा है तो उस वजह से थोड़ा आराम होगा। तो चलिए चलते हैं। पुलना से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद ट्रैक थोड़ा नीचे की तरफ जाता है और यह होते हुए जाता है एक छोटी सी मार्केट से जिसका नाम है जंगल चट्टी। छोटा सा पॉइंट जंगल चट्टी। 2.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और जितना मैं चली हूँ अभी तक ये मुझे यमुनोत्री से ज़्यादा टफ लगा है ये ट्रैक। तो चलते हैं आगे।
यहाँ से घांगरिया तक का जो ट्रैक है, आपको यहाँ बीच में पानी कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जगह जगह आपको जो है ऐसी नल मिल जाएंगे जहाँ से आप शुद्ध जो है पानी पी सकते हैं। और इसीलिए मैंने भी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है पानी के लिए। ये है मिनरल वाटर पहाड़ों का। ये मैं पहुँच गई हूँ अभी भ्यूधार गांव, और यहाँ तक हो गया है लगभग मेरा 5 किलोमीटर, और अभी जो है आगे 4 किलोमीटर के आसपास अभी घांगरिया बाकी है, और मेरा गाइड मिस्टर भूरा जो है मेरे साथ अभी भी बना हुआ है। भ्यूधार गांव इस ट्रैक का एक महत्वपूर्ण मिड पॉइंट है। यहाँ कुछ ढाबे हैं जहाँ आप लंच कर थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हैं, और यहीं आप लक्ष्मण गंगा को भी पार करते हैं। ये नदी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है लक्ष्मण गंगा जो कि घांगरिया से बहते हुए चली आ रही है, और ये लक्ष्मण गंगा आगे चलकर गोविंद घाट में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। भ्यूधार पर मैं नाश्ते के लिए थोड़ी देर रुक गई। अभी कोई सुबह के 9-10 ही बजे थे, और अब घांगरिया केवल 4 किलोमीटर दूर था जो कि मेरी आज की डेस्टिनेशन थी। लास्ट 4 किलोमीटर का ट्रैक अब ज्यादा कठिन हो जाता है। घांगरिया तक अब बस चढ़ाई वाला रास्ता ही आता है, और हाइट में होने की वजह से सांस भी जल्दी फूलने लगती है। पहुंच गई हूं मैं घांगरिया। 7 बजे निकली थी मैं पुलना से है, और लगभग 11:30 बजे मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, यानी कि 4.5 घंटे में मैंने ये ट्रैक किया है घांगरिया तक का। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ से होटल्स वगैरह जो है स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई जो पूरा दिन चलती रही। कई किलोमीटर के पथरीले रास्ते व जंगली जानवरों के डर की वजह से दिन के 12 बजे के बाद यहां से आगे फूलों की घाटी के लिए जाना अलाउड नहीं है। घांगरिया में रुकने के लिए काफी छोटे छोटे होटल व टेंट्स हैं। मैं गढ़वाल मंडल के एक रूम में रुक गई, और अब इंतजार था अगली सुबह का जब मैं जाने वाली थी फूलों की घाटी। आज है मेरा day 2 घांगरिया में, और यहीं से शुरू होगा आज मेरा फूलों की घाटी का ट्रैक। सुबह 6:30 बजे मैंने घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है घांगरिया, जो कि 10,000 फीट की हाइट पे है, और यहाँ से जा रहे हैं हम फूलों की घाटी जो कि 12-13,000 फीट की हाइट पर है। घांगरिया मार्केट के एंड में ही 2 रास्ते कटते हैं। सीधा रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब को, और लेफ्ट वाला रास्ता जाता है फूलों की घाटी को। फूलों की घाटी के अगर ट्रैक की बात करें तो यहाँ आप पैदल के अलावा पालकी या कंडी से भी जा सकते हैं, और अगर हेमकुंड साहिब की यात्रा की बात करें तो वहाँ आप पैदल के अलावा पालकी, कंडी या घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं। तो
तो जैसे जैसे इस ट्रैक में मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैक मेरा अब तक का सबसे खूबसूरत ट्रैक होने वाला है। जो कि घाटी के अगर ट्रैक की बात करें तो जितना अभी तक मैं चली हूँ तो आप देख सकते हैं रास्ता प्लेन बिल्कुल नहीं है, उबड़ खाबड़ है और पत्थर जो है काफ़ी नुकीले हैं। घांगरिया मार्केट से लगभग आधा किलोमीटर के बाद एक चेक पॉइंट है जहाँ से आपको ट्रैक में आगे बढ़ने से पहले एक टिकट लेना होता है। है चेक पोस्ट जहाँ पे आपको फूलों की घाटी के लिए एंट्री टिकट कटवाना पड़ता है। एंट्री टिकट के अगर चार्ज की बात करें तो वो है 150 रुपये और फॉरेनर्स के लिए है 600 रुपये। तो मैंने यहाँ पे टिकट कटवा दिया है, अब मैं एंट्री कर रही हूँ पार्क की तरफ। और ये है पार्क का एंट्री गेट और अब मैंने एंट्री कर ली है और मैं जा रही हूँ फूलों की घाटी की तरफ। इस चेक पॉइंट से आपको 7 बजे बाद ही आगे जाने दिया जाता है। इस गेट से आगे थोड़ा रास्ता खुली घाटी से जाता है और सामने पहाड़ों पर हल्की बर्फ दिखने लगती है। ट्रैक में यहीं से थोड़े थोड़े फूल दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। चेक पॉइंट से लगभग आधा किलोमीटर दूर पहला वाटर स्ट्रीम आता है। घांगरिया के बाद पीने का पानी आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के पास ही मिलता है, तो अपने साथ आप पानी लेकर चलें। तो बीच बीच में आपको प्रॉपर रास्ता नहीं दिखाई देगा, बस हल्का फुल्का आइडिया के लिए एक ट्रेल बनाया गया है और आपको बस उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। घांगरिया से आगे का 1 किलोमीटर का ट्रैक लगभग समतल है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर हाइट की तरफ जा रही हूँ, आप व्यूज देखेंगे तो बहुत ही मैजिकल नजर आ रहे हैं। अभी आप पीछे देखेंगे तो पूरी भ्यूधार घाटी जो है कितनी सुंदर नजर आ रही है। फूलों की घाटी का ट्रैक मैंने अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि 11-12 बजे बाद अक्सर यहाँ बारिश हो जाती है। अभी यह ट्रैक पूरा सुनसान ही पड़ा हुआ था। यहाँ से फूलों की घाटी रह गई है बस 3 किलोमीटर दूर और मेरे पीछे आप व्यू देखिए। ट्रैक में अब आपको पुष्पावती नदी पार करनी होती है। कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ चलने पर ही एक पक्का पुल नदी को पार करने के लिए बनाया गया है। पुष्पावती नदी के किनारे किसी पत्थर पर बैठकर ठंडे पानी के छींटों का एहसास, ऐसा एक्सपीरियंस पहाड़ों के जटिल रास्तों को काफी आसान बना देते हैं। पुल पार करने के बाद अब स्टार्ट होती है इस ट्रैक की चढ़ाई जो अगले 2.5 किलोमीटर तक रहती है। लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आ गई हूं मैं और यहाँ से हल्की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और साथ ही स्टार्ट हो जाता है एक घना हरा भरा जंगल। ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये है भोजपत्र। इसकी जो छाल होती है अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से तो ये एकदम कागज की तरह लगती है और पुराने समय में इसी पर जो है पुराने ग्रंथ और जितने भी पवित्र मंत्र हैं वो लिखे जाते थे। वैली ऑफ फ्लावर्स का लास्ट का कुछ किलोमीटर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्टीप था,
रास्ते के पत्थर भी उबड़ खाबड़ थे, तो ट्रैकिंग थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती है। लेकिन धूप ना होने के कारण ट्रैक में मजा भी आ रहा था। घांगरिया से निकलकर घने जंगलों से होते हुए 3 किलोमीटर बाद अब सामने हल्की घाटी और ग्लेशियर दिखने लगते हैं। फूलों की घाटी से थोड़े पहले ट्रैक पर कुछ लैंडस्लाइड जोन भी आते हैं। बारिश के समय ट्रैक का ये पार्ट ज्यादा रिस्की हो जाता है। और अब रह गई है फूलों की घाटी बस आधा किलोमीटर दूर। यहाँ पे रास्ता थोड़ा समतल हो गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स का लास्ट 1 किलोमीटर का ट्रैक काफी पथरीला है, लेकिन इसका अधिकतर पार्ट फ्लैट है, तो इसे कवर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और यहीं से आपको जो है ये सुंदर सी फूलों की घाटी दिखने लगी होगी। ये पूरा बुग्याल आपको दिखाई देगा यहीं से। फूलों की घाटी से कुछ मीटर पहले एक और वाटर स्ट्रीम आता है, जिसे बामन धौड़ कहते हैं। यहाँ पर एक टेम्पररी लकड़ी के पुल को पार करके आप फाइनली एंटर करते हैं एक खूबसूरत घाटी में, और यह घाटी है फूलों की। चार किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाले ट्रैक के बाद फाइनली पहुंच गई हूं मैं फूलों की घाटी। तो ये है उत्तराखंड की फेमस फूलों की घाटी। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको रंग बिरंगे फूल और हरे भरे घास के मैदान दिखाई देंगे। ये घाटी चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ों से ढकी हुई है, और इन पहाड़ों पर आपको जगह जगह खूबसूरत झरने बहते हुए दिखाई देंगे। कोहरा उड़ रहा है और धीरे धीरे पूरी घाटी को ढकता हुआ जा रहा है। अब बात करते हैं इस जगह की खोज की कि कैसे ये जगह दुनिया के सामने आई। 1931 में एक ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ अपने साथियों के साथ कामेट पर्वत के समिट से जब वापस लौट रहे थे तो एक घाटी में पहुंचे। वहां उन्हें ब्लू कलर के फूल दिखना स्टार्ट हुए, और कहते हैं जब वो थोड़ी देर आगे बढ़े तो उन्हें पूरी घाटी जो है फूलों की नज़र आई। वो इस घाटी की खूबसूरती को बस देखते ही रह गए। इसके बाद उन्होंने इस घाटी में 2 दिन तक कैंप लगाया और इस घाटी को उन्होंने ही वैली ऑफ फ्लावर्स नाम दिया। कहते हैं कि वो इस घाटी की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुए कि वे 1937 में फिर से इस घाटी में आए, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। और इस बुक के पब्लिश होने के बाद ये घाटी वर्ल्ड फेमस हो गई। फूलों की घाटी को पुराणों में नंदन कानन नाम दिया गया है। इसके अलावा इसे प्राचीन समय में
इंद्र का बगीचा या परियों की भूमि जैसे नाम भी दिए गए हैं। मूल रूप से ये पूरा एरिया भ्यूदार वैली के नाम से जाना जाता है और यहाँ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है गौरी पर्वत, जो लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा नहीं है कि लोग इस घाटी को पहले जानते नहीं थे। यहाँ के जो लोकल लोग होते थे वे अक्सर अपने जानवरों को चराने के लिए इसी रीजन में आया करते थे और इन्हीं बुग्यालों में जो है वो अपने जानवरों को चराया करते थे। बुग्याल यानी ये हरे भरे घास के मैदान। '82 में जब इस घाटी की सिग्निफिकेंस को देखते हुए इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया, उसके एक साल बाद 1983 में यहाँ पर पशुओं के चराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर किसी तरीके के कैंप लगाने या बसने पर भी प्रतिबंध लग गया। दूर दूर तक ये फूलों की घाटी फैली हुई है, तो जो है हम भी थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस घाटी की खूबसूरती को। घांगरिया से फूलों की घाटी तक के ट्रैक में आपको बीच में कहीं भी कोई भी किसी तरह की दुकानें नहीं मिलेंगी, तो आप अपने साथ ही जो है खाना पीना लेके आ सकते हैं, जैसे कि मैं लेके आई हूँ। तो मैं अपने साथ जो है गर्मा गर्म पकौड़े लेके आई हूँ। अब तो ये गर्म नहीं रहे लेकिन अभी भी खाने में जो है उतने ही स्वादिष्ट हैं। अभी ये पूरी घाटी आपको पिंक और पर्पल फूलों से ढकी दिखाई देगी। और इस घाटी की एक खास बात बताऊं तो वो ये है कि जैसे इस टाइम पे आपको ये पिंक कलर के फूल दिख रहे हैं और अभी आप कुछ दिनों में या एक हफ्ते बाद आओगे तो यहाँ पे आपको अलग फूलों की किस्में दिखाई देंगी। तो हर हफ्ते जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके के फूल दिखाई देते हैं। यहाँ पौधों और जानवरों की कई दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अभी तक तो यहाँ लगभग 500 पौधों की प्रजातियाँ ढूंढ निकाली है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ इतनी सारी प्रजातियाँ हैं कि जो अभी ढूंढी नहीं गई हैं। यहाँ कई फेमस बॉटनिस्ट आए और यहाँ की जो है उन्होंने 500 से ज़्यादा जो है प्लांट्स या जड़ी बूटियों की प्रजातियाँ ढूंढ निकाली और फाइनली 2005 में इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। ये एरिया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर दो पार्क आते हैं। पहला नेशनल पार्क है नंदा देवी और दूसरा है वैली ऑफ फ्लावर। इस
इसके अलावा जो यहाँ के लोकल लोगों के पुराने व्यापारिक मार्ग थे, जो यहाँ माणा से नीथ वैली जाते थे या फिर माणा से तिब्बत जाते थे, वो जो है इन्हीं रूट के थ्रू जाते थे। यही जो है पुराना व्यापार मार्ग हुआ करता था। ये मेरे पीछे जो आप ये नदी देख रहे हैं, ये पूरे वैली ऑफ फ्लावर को दो भागों में डिवाइड करती है। इस नदी का नाम है पुष्पावती, जो कि टिपरा ग्लेशियर से बहते हुए चली आ रही है। और आगे ये पुष्पावती नदी घांगरिया में भ्यूदार गंगा से मिल जाती है, और इससे आगे ये नदी कहलाती है लक्ष्मण गंगा। यहाँ के एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की बात करें तो 1939 में एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट जॉन मार्गरेट लेगे यहाँ आई थी। जॉन मार्गरेट लेगे यहाँ पर फूलों की स्टडी करने आई थी, और कहते हैं कि फूलों के सैंपल कलेक्ट करते करते अचानक उनका पैर फिसला और यहाँ ढलान में वो गिर गई और यहीं उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उन्हें इसी घाटी में दफनाया गया। उसके कुछ सालों बाद उनकी बहन यहाँ आई और उनकी याद में उन्होंने यहाँ एक मेमोरियल बनाया। तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ग्लेशियर के आसपास उनका एक मेमोरियल है, तो आप चाहे तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीच बीच में आपको बड़े बड़े फ्लैट पत्थर दिखाई देंगे, जहाँ बैठकर जो है आप पूरी घाटी जो है देख सकते हैं। फूलों की घाटी बेहद ही खूबसूरत है। कई प्रकार के फूलों की खुशबू के बीच बिताया यहाँ हर एक पल खास है। पूरे 15 किलोमीटर के ट्रैक की थकान यहाँ पहुँचते ही खत्म हो जाती है। जैसे ही यह घाटी कोहरे से ढकती है, यह वाकई भगवान इंद्र का बगीचा और परियों की भूमि लगने लगती है। बहुत ही खास रहा मेरा फूलों की घाटी का ये विजिट। फूलों की घाटी की शुरुआत में ही आपको पीने का पानी मिल जाता है। अगर यहाँ के टाइमिंग की बात करें तो यह सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, लेकिन हाँ, घांगरिया से दिन के 12 बजे के बाद आपको फूलों की घाटी का ट्रैक नहीं करने दिया जाता, तो आप 12 बजे से पहले ही घांगरिया से यहाँ का ट्रैक स्टार्ट कर दें। यहाँ मौसम किसी भी पल चेंज हो जाता है, तो आप अपने साथ रेनकोट या छाता जरूर रखें। अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में ही फूलों की घाटी का ट्रैक कर शाम तक वापस गोविंद घाट भी आ सकते हैं। यहां आने का बेस्ट टाइम जुलाई से अगस्त है।